नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस बार मिस किन्नर 2022 का आयोजन किया जा रहा है और जहाँ पर हम जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन संस्थान है HEO उनके लोगों से हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु अम्बेडकर है, मैं डायरेक्टर ऑफ HEO हिमांशु इवेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ये एक आधुनिक थीम से जो हम एक नया शो करने जा रहे हैं, मिस किन्नर 2022 उत्तर प्रदेश। ये हमारा जो टाइटल है इस बार हमने कुछ अलग तरीके से निकाला है और इस बार जो हम शो करने जा रहे हैं उसमें पूरे समाज में एक अलग मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा किन्नर समाज भी किसी से कम नहीं है और उन जो चीज़ लड़के और लड़कियों में जो टैलेंट होता है उससे कई गुना ज़्यादा उनके अंदर भी टैलेंट है, लेकिन वो उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है दिखाने के लिए अपना टैलेंट। तो इसलिए हम इस HEO के माध्यम से एक उनको एक नया मुकाम देंगे, एक नया प्लेटफॉर्म देंगे ताकि वो और आगे बढ़े। इस बार शो में हमारे साथ गुड्डन जी हैं डालीगंज से, सुधा जी हैं भोलाखेड़ा से, सोनाली जी हैं हमारी टीम में हेड कोऑर्डिनेटर हैं और भी कई जगहों से हमारी किन्नर समाज से बात हो रही है और जहां जैसे भी हमसे बात होगी हम आपको आगे बताएंगे। डेट डिसाइड हो गया है, डेट 24th of September हमारा मेन शो है कला मंडपम में केसरबाग और इसका ऑडिशन भी हम करेंगे। 11 सितंबर को हमारा ऑडिशन है, इसमें 2 दिन की ग्रूमिंग सेशन देंगे और फोटोशूट का भी आयोजन रहेगा इसमें। मिस किन्नर 2022 की थीम क्या होगी? मिस किन्नर 2022 की जो थीम रहेगी वो हमारे 2 राउंड में होगा, एक पहला एथनिक राउंड में होगा और दूसरा वेस्टर्न राउंड में होगा। देखिए, मैं विशालानंद ग्यार और शो का लोग मुझे गुरु जी कहते हैं, हिमांशु जी ने मुझे गुरु जी का टाइटल दे रखा है और क्योंकि ये शो और ये इस बार होने वाला कार्यक्रम बिल्कुल अनूठी थीम पर है। उत्तर प्रदेश की धरती में लखनऊ में होने वाला एक कार्यक्रम, एक बहुत अनूठे कार्यक्रम को आयोजन हम लोग करने के जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी प्रयास किए हैं कि समाज में कुछ नया करके दिखाएं और क्योंकि किन्नर समाज को लेकर जो भ्रांतियाँ समाज में फैली रहती हैं, एक अलग इमेज होती है, हम उस इमेज को तोड़ना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं किन्नर समाज में कितनी प्रतिभाएँ हैं, कितनी योग्यताएँ हैं, उनको किस प्रकार से हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये हम दिखाना चाहते हैं समाज में। क्योंकि देखिए, किन्नर समाज आज आप जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास स्टेज पर आज हमारे साथ 3 लोग उपस्थित हैं किन्नर समाज से। गुड्डन जी हैं हम जो जिलाध्यक्ष हैं किन्नर कल्याण बोर्ड की, हमारे साथ गुरु माँ सुधा जी हैं, हमारे साथ सोनाली किन्नर जी जो टीम की कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो ये 3 उपलब्धियाँ हमारे पास हैं जो अभी आपके सामने बैठे हुए हैं, जो इस बात के प्रतीक है कि किन्नर समाज अब आगे बढ़ना चाहता है और जैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ट्रांसजेंडर नाम से ब्लॉग बनता है तो ये ट्रांसजेंडर प्रूव करना चाहता है कि हम समाज में उनकी भी उपयोगिता है। बात करने वाले हैं किन्नर समाज के लोगों से, सुधा जी से, गुड्डन जी से जो इस कार्यक्रम में आज मौजूद है, कहीं ना कहीं अपनी कला और प्रतिभा को दिखाने वाले हैं किन्नर समाज के लोग। गुड्डन जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो किन्नर 2022 मिस वर्ल्ड रखा गया है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आखिर किस तरह का ये कार्यक्रम रहेगा, किस तरह की उपलब्धियाँ किन्नर समाज दिखाने वाला है? देखिए, पहले तो मैं अपने मीडिया पर्सन को और जो समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ और मेरे हिमांशु जो हैं अंबेडकर जी उनको भी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया और बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि उन्होंने किन्नर समाज के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो दिया है किन्नर समाज को, जो हमारे किन्नर समाज के अंदर बहुत ज़्यादा ही जो एक्टिव लोग हैं किन्नर समाज के लोग, क्योंकि किन्नरों के अंदर कला भी है और हम इसका रोज़ प्रयास करते हैं, घर घर जा कर के नाच गाना करते हैं हमारे समाज के लोग, तो हम लोगों में कलाकार कहीं ना कहीं एक छोटा सा छुपा रहता है और इस समाज को लेकर के जो उन्होंने एक मुहिम शुरू किया है, एक ये जो फैशन शो का आरंभ होने जा रहा है
इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे समाज के लोग काफ़ी एक्टिव, अभी हमारे समाज के लोग लखनऊ से जुड़े हैं, हमारी सुधा जी और मैं और मेरी सोनाली जी जो हम लखनऊ से जुड़े हुए हैं, और हम ये आगे कोशिश करेंगे कि हमारे पूरे प्रदेश से इस फैशन शो के अंदर लोग आएँ, लोग अपना गीत संगीत और अपनी कला और अपने फैशन शो को और अपनी रैंप वॉक को दिखाएं और अपनी कला को बाहर दिखाएं, तो कम हमारा किन्नर समाज उससे आगे होगा और गौरवान्वित होगा, हमारा सर फख्र से ऊंचा होगा कि हम किन्नर समाज के लोग भी कुछ कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूं अपने समाज के लोगों को, हिमांशु जी को और भैया जी लोगों को, कि हमारी फीलिंग्स को समझा और हमको एक प्लेटफॉर्म दिया है। इस फैशन शो के ज़रिए हम आगे और किन्नर समाज को जागरूक करेंगे, और मिस किन्नर जो बनने के बाद जब एक हमारे यहाँ से लखनऊ से अच्छा मैसेज जाएगा, प्रदेश से मैसेज जाएगा, तो ये हमारे पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, और कहीं हमारे किन्नर समाज के, हिंदुस्तान के जितने किन्नर समाज के लोग हैं सभी हम जुड़ेंगे और आगे घर से निकलने की और अपने जो धारणाओं में जुड़े हैं, अपनी रूढ़िवादियों में जुड़े हैं, उससे बाहर निकलने की कहीं बहुत अच्छा प्रयास हो। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुड्डन जी जो किन्नर कल्याण बोर्ड में लखनऊ जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ अभी और भी लोग मौजूद हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी? मैं तो पहले सबको नमस्कार करना चाहती हूँ। आज जितने लोग मतलब इस चीज़ के लिए सोचे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि हमारे बारे में आम जनता ने इस बारे को सोचा कि इन लोगों को भी आगे लाया जाए, इसलिए मैं सबको शुक्रिया देती हूँ, सबको धन्यवाद करती हूँ। मैम किस तरह की प्रतिभा इस बार समाज जो है दिखाने वाला है? समाज दिखाने वाला है प्रतिभा है जो सबसे अच्छा से अच्छा करेंगे कि समाज में भी हम लोगों का नाम हो, और साथ में कंधे से कंधे मिला के समाज के साथ हम भी चल सकते हैं, हम भी इंसान हैं। क्या शुभनाम? सुधा तिवारी किन्नर। तो ये थे हमारे साथ गुड्डन जी और सुधा तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो किन्नर समाज जो कहा जाता है कि बिना इनके कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, और कहीं ना कहीं इनकी बधाइयों और शुभकामनाओं के साथ ही जो समाज है, जो वर्ग है वो आगे बढ़ता है। उसके साथ साथ जो हिमांशु इवेंट ऑर्गेनाइजेशन संस्थान है उसके माध्यम से मिस किन्नर 2022 का भव्य आयोजन राजधानी लखनऊ में जल्द ही किया जाना है, जिसके बारे में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी